दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक अमेरिकन ऑथर जोसेफ हेलर की लिखी हुई एक नोवेल कैच 22। कैच 22 एक सटायरिकल नोवेल है जिसको लिखा गया था 1953 से 1961 के बीच में, और 1961 में इसको पब्लिश करवाया गया, 1962 में भी इसको पब्लिश करवाया गया था। इसको न्यूयॉर्क में लिखा गया था। थर्ड पर्सन ऑमनीसेंट इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। इसकी सेटिंग रखी गई है एक इटालियन कोस्ट पर। और दोस्तों ये एक सटायरिकल नोवेल है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रहा था, ख़त्म होने वाला था, तब की इसकी सेटिंग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों जोसेफ हेलर खुद 19 साल की उम्र में अमेरिकन एयरफोर्स में थे। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल है, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है इसको पढ़ने में। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये टाइम तब का था, ये कहानी तब की है जब वर्ल्ड वॉर टू ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, फिर भी अमेरिका की तरफ से अंधाधुन बम गिराए जा रहे थे। सेल्फिश बड़े ऑफिसर्स ये चाहते थे कि अमेरिका की पूरे विश्व में ये पता चल जाए कि अमेरिका कितना ताकतवर है। अगर ये भी ना हो तो कम से कम हमारा प्रमोशन हो जाए। वैसे दोस्तों इस नोवेल को ढंग से नहीं लिखा गया है, कहने का मतलब यह है कि कभी तो ये फ्लैशबैक में चली जाती है नोवेल, कभी प्रेजेंट में आ जाती है। छोटी छोटी स्टोरीज साथ में चल रही है, एक मेन प्लॉट के साथ में छोटी छोटी स्टोरीज चल रही हैं। ये कहानी है एक सिपाही की, एक सिपाही है इस कहानी में एयरफोर्स का, US एयरफोर्स का, जिसका नाम है योशरन। योशरन अमेरिकन एयरफोर्स में है और फिलहाल इसका जो बेड़ा है, इसके साथ के जो लोग हैं, इटालियन कोस्ट पर मेडिटेरेनियन सी के पास में एक आइलैंड है उस पर मौजूद हैं। अभी फिलहाल ये कोशिश कर रहा है कि ये अपने मिशन पर ना जाए। मिशन कौन सा? हवा में से ज़मीन पर बम गिराने का। ये एक्चुअली बम गिराता है, जो हवा में प्लेन उड़ते हैं तो प्लेन से ये बम गिराता है, क्योंकि ये थक गया है एक के बाद एक मिशन पर जाकर। और इसके जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो बढ़ाते ही जा रहे हैं मिशंस को, रोक ही नहीं रहे। इसके ख्याल से अब लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने को आया है। बिना मतलब ही बड़े ऑफिसर्स के निजी स्वार्थ के लिए हम लोग बम गिरा रहे हैं। ये नोवेल मैंने आपको बताया तरीके से नहीं सुनाई हुई है, मतलब टूटी फूटी सुनाई गई है टुकड़ों में, बीच बीच में अलग अलग स्टोरीज चल रही है। तो नोवेल की शुरुआत होती है इस योशरन से, ये हॉस्पिटल में है झूठे लिवर की बीमारी का बहाना बनाकर। तो वहाँ पर हॉस्पिटल में इससे मिलने के लिए इसके पास इसकी आर्मी का एक बंदा आता है जिसका नाम होता है चैपलिन। चैपलिन इसका असली नाम नहीं है, असली नाम कुछ और है, इसको चैपलिन बुलाते हैं प्यार से। वैसे ये चैपलिन बाकी ऑफिसर्स से बात करने में अनकम्फर्टेबल फील करता है, योशरन का इससे काइंड बिहेवियर है तो ये इससे ढंग से बात करता है। इसके अलावा योशरन का एक और दोस्त है जो इसके साथ में रहता है इसके टेंट में, जिसका नाम है और। इसके अलावा क्लेवेंजर जो इसका पक्का दोस्त है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, जिसका प्लेन हवा में गायब हो गया था। तीसरा मैकविट जो प्लेन उड़ाता है और ऐसे प्लेन उड़ाता है कि टेंट कांपने लगते हैं। और इसके अलावा एक और दोस्त है जिसका नाम है नेटली। नेटली दोस्तों एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा है और इसको एक रोमन प्रोस्टिट्यूट से प्यार हो गया है इस नेटली को। और भी कई सारे दोस्त हैं इसके, तो उन सब की छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज़ भी इसके साथ में चलती है, योशरन की जो कहानी है इसके साथ में। अब ये योशरन डॉक्टर डेनिका से पूछता है कि मैं पागल हूँ, मैं पागलपन का शिकार हूँ, आगे से बोलता है ये खुद से कि मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है, मैं पागल हूँ, तो क्या मैं प्लेन उड़ाने की बजाय ज़मीन पर रह सकता हूँ, हवा में प्लेन उड़ाने की बजाय ज़मीन पर रह सकता हूँ? तो वो इसको बोलते हैं नहीं, डॉक्टर बोलता है इसको नहीं, अगर तुम पागल होते तो खुद से आगे से ऐसा सवाल नहीं पूछते, तुम प्लेन उड़ाने के लिए दिमागी रूप से एकदम सही हो, क्योंकि जो लोग पागल होते हैं उन्हें प्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं है। ये कैच 22 का नियम है, यहाँ पे एक नियम चलता है कैच 22, जो लोग दिमागी रूप से पागल होते हैं उनको प्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं है। तो योशरन को लगता है कि ये गलत है, लेकिन इसका जो कर्नल है, कर्नल कैथकार्ट और उसका असिस्टेंट कॉर्न, उनको परवाह नहीं है सैनिकों की, दोनों बस प्रमोशन चाहते हैं। ये कॉर्न तो कैथकार्ट की पोजीशन चाहता है और कैथकार्ट इससे बड़ी पोजीशन चाहता है। इसके लिए ये अपने सैनिकों की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, उनको एक के बाद एक मिशन पर भेज रहे हैं, घर भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो अब ये जो कैथकार्ट है, ये अपने आदमियों के लिए, अपने सैनिकों के लिए एक डेंजरस मिशन साइन कर लेता है। इस मिशन का नाम है मिशन ऑफ बुलानी। इस मिशन में योशरन बिल्कुल मौत के करीब था, इसका प्लेन बिल्कुल एनिमी फायर के पास था, तो अब ये बच कर के रोम भाग गया और एक लड़की ल्यूसियाना से मिला। ये इसके साथ इसने एक पूरी रात गुजारी। वैसे ये बहुत ही लंबा इवेंट था, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में बताया।
अब इस पॉइंट पर ये नोवेल एक बहुत ही सीरियस टर्न ले लेती है। इस योशेरन के साथ के जो सिपाही थे वो धीरे धीरे या तो मर रहे थे या बहुत सारे सिपाही गायब हो रहे थे रेगुलर बेसिस पे। योशेरन का एक दोस्त था डनबर्ग, वो अपने मिलिट्री ब्रेस से गायब हो गया क्योंकि उसने कुछ कंप्लेंट की थी कि हम लोग अननेसेसरी बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो वो अपने मिलिट्री ब्रेस से गायब हो गया। वहाँ इस और का प्लेन क्रैश हो गया था और ये अपने बेड़े से बहता हुआ दूर चला गया था, जबकि ये जो नेटली था और इसके साथ के दो बंदे और थे ये सब मारे गए थे। अब दोस्तों इस नेटली की डेथ के बाद में योशेरन इसकी रोम वाली प्रेमिका के पास गया, जो इस नेटली की जो गर्लफ्रेंड थी वो प्रोस्टिट्यूट, उसके पास गया उसको बताने के लिए कि नेटली मर चुका है। तो वो उल्टा इसी को ब्लेम करने लगी, योशेरन को, कि नेटली की मौत के जिम्मेदार तुम हो, तुम लोग हो। अब दोस्तों इस नेटली की डेथ के बाद में इस योशेरन ने तय कर लिया था कि ये अब और प्लेन नहीं उड़ाएगा, अब किसी मिशन पर नहीं जाएगा। ये तय कर लेता है कि इसको मरना नहीं है, इसको ज़िंदा रहना है, कैसे भी ज़िंदा रहना है, क्योंकि इसको लगता है कि लोग इसको मारना चाहते हैं। अब ऐसे में ये रोम की गलियों में घूम रहा था बिना पास के, तो ऐसे में इसको अरेस्ट कर लिया जाता है और इसको इसके कर्नल, इसके बड़े वाले जो ऑफिसर हैं कैथकार्ट और कॉन्ड, इनके सामने लाया जाता है। अब ये दोनों कैथकार्ट और कॉन्ड इसके सामने दो चॉइस रखते हैं, ऐसे कह लो कि इसको ऑफर देते हैं, दो ऑफर देते हैं कि या तो तुमको कोर्ट मार्शल के तहत जेल भेजा जाएगा या फिर तुमको डिस्चार्ज करके तुमको घर भेज दिया जाएगा और तुम्हारा प्रमोशन भी कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए तुमको हमारा एक काम करना पड़ेगा, हमारी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि ये जो जवानों का बेड़ा है ये और 80 मिशन के लिए जाए, जो आने वाले मिशन्स हैं उनके लिए जाए। तो कहने का मतलब ये है कि योशेरन को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये इन दोनों की ये पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है। तो योशेरन को तो मरना नहीं था, तो इसने इन दोनों की ये पॉलिसीज़ थी इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तभी इसको कौन मिलता है, इस नेटली की जो गर्लफ्रेंड थी वो इसको मिलती है और चैपलिन भी इसको बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथियों के साथ बहुत गलत होगा। तो अब ऐसे में ये योशेरन तो एकदम धर्म संकट में फंस गया, ये अब क्या करें। तो अब ये एक रास्ता ढूंढता है, बीच का रास्ता, कि ये जिससे कैच 22 से भी बच जाएगा और अपने कमांडिंग ऑफिसर्स का नौकर भी नहीं बनेगा। इसने स्वीडन भाग जाने का फैसला किया, जहां इसका ये दोस्त और रह रहा था प्लेन क्रैश का बहाना करके, वहां पर इस लड़ाई से बचने के लिए ये वहां पर छुप गया था और स्वीडन में, तो ये उसके पास चला जाएगा। तो इस कहानी के एंड में ये योशेरन अपने दोस्त और के पास चला गया स्वीडन में, वहां से भाग गया और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।